दादा आंबोली घाट वाला रास्ता ठीक है कि काय चालू है, म्हणजे काय गडबड आहे, म्हणजे काय ट्रॅफिक वगैरे होतं का? मस्त लगता है आंबोली घाट, ऑसम, दिस लुक्स ऑसम। शायद से आगे रोका जाएगा। जगत बारी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी मेरी हालत को इग्नोर करना, सुबह सुबह उठा ना, इसलिए ये मतलब शक्ल ऐसी दे रही है, थोड़ी देर हो गया बट ठीक हो जाएगा। तो सुबह के ऑलमोस्ट 7 ही बज रहे हैं, 6:48 AM इन द मॉर्निंग। टुडे इज सैटरडे एंड वी आर लीविंग फॉर मुंबई। अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मतलब गूगल मैप पे आंबोली घाट का जो रास्ता है वो बता रहा है, बट मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आंबोली घाट लेना मत, क्योंकि वहाँ पे एक साइड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ वही अपना अंबा घाट नहीं तो अनुस्कुरा घाट ले लूँ। तो जैसे मैं महाराष्ट्र में एंटर करूँगा, थोड़ा सा लोकल से भी पूछ लूँगा और जो भी होगा आपको अपडेट कर दूँगा। तो चलो फटाफट गोवा से निकलते पहले और फटाफट हाईवे पकड़ते, चलो निकलते। गणपति बप्पा मोरिया, चलो निकलते फटाफट। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो है पेट्रोल लेना, मतलब गोवा बॉर्डर छोड़ने से पहले हम लोग को टैंक फुल करना है पेट्रोल, मतलब जो सस्ता वाला पेट्रोल है इंडियन ऑयल का, 98 रुपीज़ में मिलता है यहाँ पे। इंटरनल गोवा सिटी में 97.80 है, बट अभी पता नहीं यहाँ पे मैं ज़्यादा ढूंढने का कष्ट नहीं लूँगा, क्योंकि वो जो मैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वो एकदम बॉर्डर पर ही है। तो वहीं पर जाके मैं एकदम ऊपर तक ऑटोकट से भी ऊपर तक भरवा दूंगा, सो दैट मतलब मुंबई तक कुछ टेंशन ना हो अपने को। भाई यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 97.34 है। भैया ये जगह का नाम क्या है? शिवोलिन। तो यहाँ पे अपन ने पूरा फुल करवा लिया, अभी मुंबई तक कोई टेंशन नहीं है, रपा रप निकलेंगे अपन। फाइनली एक घंटे के बाद हम लोग नेशनल हाईवे 66 पे अभी चढ़ चुके हैं। अभी मैंने गूगल मैप पे पाचल कोल्हापुर वाला जो डिस्टेंस है, जो ये है मतलब डेस्टिनेशन है, वो डाला है और यहाँ से वो बता रहा है 2.5 घंटा, मतलब दो घंटे और 21 मिनट। तो उसके बाद देखते हैं, मैं सावंतवाड़ी के आसपास जो आंबोली वाला टर्न आता है ना, वहाँ पे लोकल से पूछूंगा कि भैया क्या सीन है रोड का वगैरह, उसके बाद ही डिसीजन ले लूँगा। तो आपको जो भी है जैसे भी आपको अपडेट कर दूंगा। भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट पे। ये देखो आरटीओ का चेक पोस्ट है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ बॉर्डर, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 99.9% अपनी गाड़ी चेक की जाएगी। बट अभी देखते हैं पुलिस वाले अंकल ये है कि यहाँ पे रोकते हैं अपने को, रोक देंगे तो चेक कर लेंगे, बट वैसे कुछ मिलेगा नहीं उनको, क्योंकि अपन तो कार्रवाई तो कुछ करते नहीं, कार्रवाई का सामान तो अपन कुछ कैरी करते ही नहीं है। तो फिर देखते हैं, रोकेंगे तो अपन चेक करवा लेंगे, लेकिन एक्चुअली कुछ मिलेगा नहीं उनको, उनका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा। बट ठीक है भैया, मतलब जो कार्रवाई है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, शायद से आगे रोका जाएगा। तो फाइनली अपन एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में बांदा में, अभी हम लोग बांदा में। तो फिलहाल के लिए जय महाराष्ट्र। और सुबह के बज चुके हैं 8। तो ये है अपना सिंधुदुर्ग पुलिस चेक पोस्ट, बट यहाँ पे भी अपने को नहीं रोका गया। ये देखो ये आंबोली घाट वाला स्पॉट है, ये लिखा भी है इस पे, ये देखो मुंबई पुणे कोल्हापुर आंबोली राइट है 38 किलोमीटर्स। तो अभी अपन लोकल्स को पूछेंगे कि क्या सीन है। दादा आंबोली घाट वाला रास्ता ठीक है कि काय चालू है, म्हणजे काय गडबड है, म्हणजे काय ट्रॅफिक वगैरे होतं काय? काय नाही ना, उद्या ट्रॅफिक होणार, उद्या काय येणार आहे ना। नाही तसं नाही, मी ऐकलेलं की एका पॅचचं काहीतरी कन्स्ट्रक्शन चालू होतं, एक पॅचचं काम चालू होतं, रस्त्याचं काय काम चालू आहे, असं काय आहे का? काय ना जाऊ, चांगलं आहे ना। आता मी कुठून जाणार होतो, अनुस्कुरा घाट आहे ना, तिकडून जाणार होतो। लांब पडणार ना, भरपूर लांब पडणार, पण मला मुंबईला जायचं आहे। मुंबईला हा बरं पडेल ना, हा बरं पडेल, ठीक आहे, थँक्यू, धन्यवाद। तो भाई फाइनली डिसाइड हुआ है कि आंबोली घाट से ही जाएंगे अपन। अभी मैप का ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने अनुस्कुरा घाट वाला डिस्टेंस डाला है, तो वो मैं चेंज कर देता हूँ पहले, नहीं तो वो गूगल माता ऐसे चिल्लाती रहेगी। वो जो वाटरफॉल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अल्दो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट रुक के दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर ट्रैफिक जैम रहेगा तो मैं गाड़ी से ही आपको दिखा लूँगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, एंड ये वीडियो उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए
जिन्हें रोड ट्रिप्स और ट्रैवल पसंद है, यू नो द पीपल हु प्रेफर रोड ट्रिप्स एंड ट्रैवल, उन्हीं लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड ट्राई एंड कमेंट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट यू नो आई विल गेट अ आइडिया कि मतलब क्या गलत हो रहा है क्या सही जा रहा है. तो यू नो बने रहिए इस वीडियो पे. तो आंबोली घाट में एंटर करने से पहले ही बारिश ने अपना स्वागत कर दिया है. तो मस्त लग रहा है, मतलब इधर तगड़ी बारिश नहीं हो रही है बट ठीक ठाक हो रही है, प्लेजेंट है, मतलब विजिबिलिटी को ऐसा कुछ इशू नहीं आ रहा है. इट्स अ नाइस वेदर एक्चुअली. सावंतवाड़ी शायद आज आने वाला है कि शायद स्किप कर दिया है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है क्योंकि जो मैंने टर्न लिया ना वहाँ से सीधा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आंबोली घाट की शुरुआत हो ही चुकी है. अब ये मुझे कोई इंटरनल रोड से लेके जा रहा है. अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो ये रोड जो है मतलब सावंतवाड़ी शहर को शायद से बाईपास करता है क्योंकि मतलब देखो सावंतवाड़ी शहर में ट्रैफिक तो नहीं होता है बट शायद से ये जो रास्ता है वो शायद से उसको बाईपास करता है क्योंकि अभी 5.5 किलोमीटर के बाद एक हाईवे बता रहा है, पुणे बेंगलोर हाईवे, मतलब जो आंबोली घाट वाला रास्ता 548H ये नेशनल हाईवे का नंबर है, मतलब 548H थोड़ा सा अजीब है बट जो है वो है. अभी भाई फाइनली अभी वो पतला वाला रास्ता खत्म हो चुका है. अभी अपन आ चुके हैं मेन रोड पे जिसको बोला जाता है 548H पे अभी अपने को रहना है 28 किलोमीटर्स तक. भाई फाइनली अभी घाट आरंभ हो चुका है तो जो मेरा अंदाज़ा था वो सही निकला. सावंतवाड़ी को हम लोग मतलब सावंतवाड़ी शहर को हम लोग बाईपास कर चुके हैं उस छोटे रोड की वजह से. भाई नज़ारे देखो यार, ज़बरदस्त, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट खतरनाक यार. फॉग है पूरा आंबोली घाट में, ज़बरदस्त. आई एम नॉट श्योर ये कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है बट फॉग तो है, मतलब यार इतना डेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत है, मतलब ऐसा लग रहा है हम लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के अंदर से जा रहा हूँ. बेड़गांव यहाँ से 83 किलोमीटर्स दूर है और जैसे कोई स्पॉट आता है रुकने का, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब रुकने को चांस ही नहीं है, मतलब ये आप देख ही सकते हो लेफ्ट साइड में कुछ जगह ही नहीं है. तो जैसे कोई स्पॉट आता है जहाँ पे रुक सकते हैं वहाँ पे गाड़ी रोक देंगे और आपको वैली दिखा देंगे भैया. तो भाई यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे, ऑलमोस्ट 100 या 150 के ऊपर ही चला लिया मैंने गाड़ी. ये देखो थोड़ा सा जगह यहाँ पे दिख गया इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी, नहीं तो कुछ चांस ही नहीं मिल रहा था. ये देखो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और थोड़ी वैली दिख रही है, मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं. ये देखो मस्त लगता है आंबोली घाट, ऑसम, दिस लुक्स ऑसम. ये जो रास्ता है कोल्हापुर की तरफ जाता है और ये रास्ता जाता है गोवा की तरफ, मतलब जहाँ से अपन आए. क्या सुंदर है यार वैली, ऑसम दिस इज. आगे भी रोकेंगे ऑब्वियसली बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना था इसलिए रुक गया मैं. मस्त लगता है, मस्त, ऑसम, मज़ा आ गया. और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूँगा, समझ रहे हो बात. ज़बरदस्त, ये देखो वैली क्या सुंदर लगती है, देखो ऑसम. दिस प्लेस इज एक्चुअली रियली वंडरफुल स्पेसिफिकली इन मॉनसूनस. चलो 5-10 मिनट रुकते हैं उसके बाद निकल जाते हैं. टाइम लैप्स कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना. पूरा आंबोली घाट तो कवर नहीं किया मैंने बट मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करने की कोशिश की है. अभी थोड़ी देर के बाद वो जो वाटरफॉल वाला स्पॉट है वो आ जाएगा, वहाँ पे आपको गाड़ी रोक के दिखा देंगे भैया. क्या नज़ारे यार, ये देखो राइट साइड में देखो पानी गिर ही रहा है, मतलब ये देखो राइट साइड में देखो. ऑसम, दिस इज ऑसम यार, मजा आ गया सच में, खतरनाक. भाई यहाँ पे वापस एक बार रुक गया क्योंकि नज़ारे ना अल्टीमेट है. होटल क्या है, होटल मैगी पॉइंट करके एक होटल है, यहाँ पे रुके हम लोग. और ये देखो आगे से चारा जाके दिखा देता हूँ मैं, क्या ऑसम लग रहा है ये वैली जो है ना, दिस इज़ अल्टीमेट, अल्टी द मेट यार, मस्त एकदम, मज़ा आ गया आज, ऑसम. आंबोली घाट एट इट्स बेस्ट. ये देखो आगे देखो पूरा फॉग है यार, ये देखो ज़बरदस्त, चौचक दृश्य यार. भाई फाइनली वाटरफॉल वाले स्पॉट पे आ चुके हैं.
और यहाँ पे थोड़ा भाई रुकना तो बनता है यार, ये चीज़ें तो आपको दिखानी बनती है। चलो गाड़ी साइड में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं फटाफट। तो ये अपनी गाड़ी, यहाँ से ये पूरी वैली दिखती है ज़बरदस्त, ये देखो मस्त। और ये अपना वाटरफॉल, चलो यहाँ पे जाते हैं अभी आगे। यही है वो अम्बुलिका वाटरफॉल, अल्दो इतना पानी नहीं है, ये देखो ज़्यादा पानी दिख नहीं रहा है, बट ठीक है यार, बारिश की तो शुरुआत ही है, इसके बाद और फ्लो बढ़ेगा। मैंने जब भी लास्ट टाइम जब भी मैं आया था यहाँ पे, तब ये जो स्टेयर्स है ना, ये जो स्टेयर्स, ये मतलब ये जो स्टेप्स, यहाँ से भी पूरा पानी गिर रहा था, बट अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा बारिश कम हुआ है लगता है ये साइड में, कोल्हापुर साइड में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। चांदाते बांदा एक पाउल समृद्धि कड़े अम्बोली धबधबा, ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया। आज क्राउड काफ़ी कम है तो फटाफट मैं भग लेता हूँ यहाँ से, नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा भैया और अपन फंस जाएंगे। अब यहाँ पे चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपनी आगे की जर्नी के लिए। गोवा वेस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है। चलो भाई ऐसे मौसम में ना मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है, चलो खाते हैं अभी। ये देखो बारिश में भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है भाई साहब, मैं तो भुट्टा खाता नहीं, लेकिन जो बनते हुए देखने का जो मज़ा है ना, अल्टीमेट अल्टीदमेट यार, मज़ा आ गया। ये देखो अपन चाय पी रहे, इसके बाद निकलेंगे फटाफट। चला थैंक यू। चलो भाई हो गया अपना तामझाम, अभी फटाफट निकलेंगे टूवर्ड्स कोल्हापुर। सुबह के 9:30 हो चुके, चलो निकला जाए, मस्त लगा, चाय और मैगी अल्टीमेट। यहाँ पे देखो एक्चुअली एयर कंडीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब नेचुरल एसी, पूरा ऐसा लगता है पूरे पहाड़ के अंदर से जा रहे हैं हम लोग, पहाड़ नहीं सॉरी बादलों के अंदर से जा रहे हैं ऐसा लगता है। ऑसम यार, ज़बरदस्त। ये चाय और मैगी खा के ना पूरा मेरी तो आत्मा पूरी फ्रेश ही हो गई, ज़बरदस्त। ये देखो सामने देखो पूरा फॉग है यार, पूरा फॉग, ऑसम अल्टीमेट अल्टीदमेट यार। ये देखो मतलब ये जो वाटरफॉल वाला जो स्पॉट है ना, उसके बाद ना ये देखो ऑसम यार, ऑसम जबरदस्त। विजिबिलिटी थोड़ी कम है लेकिन नजारे है ना भाई साहब अल्टीमेट। ऑल्दो हम लोग घाट उतर चुके हैं लेकिन यार ये फॉग देखो यार, खतरनाक मतलब लिटरली यू नो 100 मीटर के आसपास भी कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी एकदम जीरो है। आराम से जा रहा हूँ मैं, 20-30 के स्पीड से जा रहा हूँ, घाट पूरा खत्म हो चुका है अम्बोली घाट, लेकिन भाई साहब फॉग देखो यार, क्या फॉग है यार, जबरदस्त। मौज लो और फॉग लो। बाय द वे अम्बोली घाट के जो 2 टाइम लैप्स निकाले मैंने, वो कैसे लगे वो कमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ तक अगर वीडियो आपने अगर देख ही लिया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा भैया हमको, समझ रहे हो बात। अभी थोड़ा सा यू नो फॉग जा रहा है, मतलब जा चुका है ऐसा लग रहा है, लग रहा है मतलब हाँ देखो रास्ता थोड़ा क्लियर ही लग रहा है, बट थोड़ा सा आगे है ऐसी संभावना है। यहाँ पे आके ना एवरेज स्पीड कम हो जाता है, मतलब 40-50-60 इसके आसपास ही रहता है, क्योंकि सिंगल लेन रोड है बेसिकली, और सामने से कर्नाटक वाले भाई साहब भी आते हैं, गोवा वाले ट्रैफिक भी आते हैं, और एकदम तेज आते हैं, तेज समझ रहे हो, एकदम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो अपने को थोड़ा सा आराम से ही चलना पड़ेगा। जैसे ही अपने को NH-48 मिलेगा ना मुंबई बैंगलोर हाईवे, उसके बाद तो अपन क्रूज कंट्रोल लगा देंगे, 70-80 या 90 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर देंगे, उसके बाद कोल्हापुर तक तो रपारप ही है, बट कोल्हापुर के बाद इंटरनल सिटी का ट्रैफिक भी मिलेगा थोड़ा सा सातारा कराड़ में, उसके बाद थोड़ा सा वापस स्पीड कम हो जाएगा अपना, सातारा से पुणे वापस स्पीड मार सकते हैं, वापस पुणे इंटरनल सिटी में ट्रैफिक मिल सकता है, इंटरनल जो पुणे सिटी का है, उसके बाद फिर एक्सप्रेस हाईवे में वापस रपारप चालू अपना, समझ रहे हो बात। ये रपारप जो मैं बोलता हूँ ना, ये इमोशन है मेरे लिए, तो इमोशन है एटलीस्ट। अभी देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ये रास्ता जो है बेलगांव की तरफ जाता है और ये रास्ता कोल्हापुर और आजरा की तरफ जाता है, तो अपने को कोल्हापुर की तरफ जाना है, तो अपन इसी रोड पे चलेंगे। आजरा जो है यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 20 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा सा ना उबड़ खाबड़ पैच है, मतलब ये रोड का काम चल रहा है और ये बारिश में तो और भी ख़राब हो चुका है, देखो थोड़ा सा ही पैच है हल्का सा,
अभी यहाँ से ये साइड में ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब ये साइड पूरी बन रही है और ये साइड पूरी की उसकी इस साइड की, मतलब इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे टर्मैक नहीं है रोड, थोड़ा सा लाल लाल मिट्टी वाला रोड है, अल्दो ज़्यादा गड्ढे नहीं है, बट एक पैच थोड़ा सा ही पैच है, मतलब 500 मीटर का ही रहेगा और शायद थोड़ा सा आगे भी है, वहाँ से आपको गाड़ियाँ दिखती रहेगी, वो देखो गाड़ी आ रही है वहाँ से, थोड़ा सा ना हल्का सा कंस्ट्रक्शन का पैच चल रहा है यहाँ पे, अल्दो ये कुछ महीने पहले नहीं था बट ये अभी नया ही काम निकाला है शायद से। दादा पूरे रास्ता कितनी खराब है, अजून खराब है ना जरा सा? ठीक है थैंक यू भाई। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हम लोग ऐसे ही खराब रास्ते पे चल रहे हैं और अभी सामने ट्रक है जिसको साइड देने के लिए अपने एसटी वाले भैया रुके हैं। ये देखो दिखा दे तो आगे, थोड़ा सा दिक्कत तो है यहाँ पे बट अभी ठीक है, धीरे धीरे जा सकते हैं, लेट्स सी। और जो भैया से मैंने पूछा कि कितना किलोमीटर और ख़राब रोड है, तो उन्होंने बोला कि 5 किलोमीटर और ख़राब रोड है। ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर से हम लोग ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं, देखो पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पैच है। और आप अगर मुंबई से आंबोली घाट की तरफ आ रहे हो तो बेसिकली आंबोली घाट लेना ही मत, क्योंकि आपको यही से आना पड़ेगा, क्योंकि अल्दो आंबोली घाट वाला रोड में कुछ इशू नहीं है बट ये आजरा वाला पैच आपको ये झेलना ही पड़ेगा। और अभी एक भाई साहब से बात हुई थी गाड़ी रोक के, मैंने पूछा तो उन्होंने पूछा कि और 7-8 किलोमीटर तक ऐसा ही रोड है, तो ऑलमोस्ट मतलब 20 किलोमीटर वाला पैच ये पूरा पैच वर्क ही चल रहा है। तो अगर आप आंबोली घाट लेने की सोच रहे हो तो कुछ दिनों तक मत लेना, तब मतलब ये पता नहीं अभी ये पैच कब तक पूरा हो जाएगा, सो यू नेवर नो। तो आंबोली घाट इज नॉट रिकमेंडेड गाइज। तो भाई यहाँ पे अभी रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि कमर की ना बैंड बच चुकी है सच में। ये होटल आपको याद रहेगा, होटल रामकृष्ण, ये देखो यहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ। काफ़ी गड्ढे वाला रोड था, मतलब इट वाज रियली हॉरिबल। ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर तक पैच ख़राब था पूरा। तो आप ये रुकते हैं, अभी स्ट्रेच करते, अगर लगेगा तो कुछ खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। गाड़ी की हालत देखो, पूरी लाल मिट्टी से पूरी लाल लाल हो चुकी है, गाड़ी का कलर ही चेंज हो चुका है भैया। तो भाई मस्त अभी कांदा पोहा और नींबू शरबत, क्योंकि अपने को एसिडिटी होती ना इसलिए नींबू शरबत पी पियेंगे। चलो खाते इसको यार। तर इकडे आपले काही महाराष्ट्रन भाऊ भेटले कोल्हापूरचे, तर भाऊनो जगात भारी मस्त, भेटून खूप मजा आली आणि खूप चांगले आहेत। आणि आता तुम्ही कुठे जाणार? आंबोलीघाटात जाणार मस्तपैकी मजा करायला। धन्यवाद, थँक्यू सो मच, थँक्यू। तो भाई रामकृष्ण हॉटेल में जो भाई मिले थे ना अपने कोल्हापुरी भाई, मतलब महाराष्ट्रीयन थे सारे बट टिपिकली कोल्हापूर वाले थे, इतने स्वीट थे ना यार, मजा आ गया मिलके, मतलब बात करने में इतने अच्छे थे ना। वो आंबोली घाट में जा रहे थे पिकनिक मनाने, मतलब मेरा उन्होंने लोगो देखा तो ये लोगों का ये फ़ायदा हो गया मुझे। तो अभी हमारे वीडियोस देख रहे हैं भाई, मज़ा आ गया भाई। भाई लोग अगर आप वीडियो देख रहे हो, मज़ा आ गया आपसे मिलके, सच में ऑसम। चलो अभी थोड़ा ये रोड को बर्दाश्त कर लेते और चलते अपन आजरा की तरफ। भाई ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर से हम लोग ना ऐसे ही गड्ढे वाले रोड से जा रहे हैं, देखो बीच बीच में ना 1-2 किलोमीटर तक ऐसे थोड़ी सी राहत मिल जाती है लेकिन वापस ये गड्ढे वाला पैच चालू हो जाता है। ये देखो राइट साइड में ना कंटिन्यूस 20-25 किलोमीटर से ना ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एक साइड का काम चला और एक साइड की ऐसी बैंड बजी हुई है पूरी। कहाँ बाएं मुड़े भैया, 100 मीटर के बाद। तो ये सिचुएशन है अभी, और अभी क्या ही किया जा सकता है, मतलब आंबोली घाट से जो आने का डिसीजन था मेरा, अल्दो मैंने लोकल यू नो एक भाई साहब को पूछा था बट उनका भी गलती नहीं है क्योंकि वो आगे तक ट्रैवल करके आए नहीं रहेंगे। तो ये डिसीजन तो आज का, मतलब मुझे ऐसे रिग्रेट हो रहा है अभी इस डिसीजन पे। अल्दो आंबोली घाट में सीनरी मुझे अच्छी मिली बट ये भाई तो अभी ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, यू नो मतलब सीनरी के चक्कर में गाड़ी का कलर भी चेंज हो गया, पूरा वट लग गई। अब यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, ये देखो ये रास्ता यहाँ पे उत्तर का कोई बोर्ड लगा है लेकिन अभी लेफ्ट बता रहा है तो लेफ्ट ही लेंगे, यहाँ पे सब लोग लेफ्ट जा रहे हैं। और यहाँ से 30 किलोमीटर बता रहा है अपना होटल गोवा वेस्ट वाला डिस्टेंस, होटल गोवा वेस्ट के बाद फिर अपना एकदम फटाफट निकलेंगे अपन, क्योंकि फिर अपने को NH 48 मिल जाएगा।